बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि बरेसगीर में जब भी फिल्मी तारीख लिखी जाएगी, इसका बेशतर जो हिस्सा है वो एक ही शख्सियत का अहाता करेगा। जी हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार की। ट्रेजेडी किंग कहलाने वाले दिलीप कुमार जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए। 13 बहन भाई हैं और बहन भाइयों में इनका जो नंबर है वो तीसरा है। इनके घर का माहौल खासा अदबी था। दिलीप साहब अंग्रेज़ी, उर्दू और फारसी जो है इस पर अबूर रखते थे और इनके जो दादाजी हैं उनका ज़ौक शेर व शायरी था, उन्हीं को देखते हुए इन्हें भी शेर व शायरी का खासा शौक और लगन पैदा हुई। चीज़ें करते रहे, करते करते वो मुंबई टॉकीज तक जा पहुँचे। वहाँ पर देविका रानी ने उन्हें स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर जो है वो रख लिया और उन्होंने बाद में दिलीप कुमार साहब से कहा कि आप ज्वारभाटा में किरदार अदा करें और ज्वारभाटा उनके कहने पर उन्होंने की। दिलीप कुमार साहब से जब एक बार पूछा गया कि आपका नाम तो यूसुफ खान है और दिलीप कुमार कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब फिल्मों में काम करने को बहुत ही बुरा समझा करते थे और जो राज कपूर हैं उनके वालिद मेरे वालिद के दोस्त थे और राज कपूर फिल्मों में काम करते थे, तो मेरे वालिद अक्सर अपने दोस्त से कहा करते थे कि अपने बेटे को समझाओ वो क्या कर रहा है। तो दिलीप साहब कहते कि मुझे डर था कि अगर वालिद साहब को पता चला कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, मुझे ऑफर आ रही, तो बहुत बुरा मनाएंगे। तो फिर देविका रानी ने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि आप नाम चेंज कर लें। तो दिलीप साहब कहते हैं कि मेरे सामने तीन नाम रखे गए और जिसमें से दिलीप कुमार जो है वो फाइनल किया गया। जी दिलीप कुमार साहब ये भी बताते हैं कि राज कपूर से उनकी दोस्ती जो थी वो फिल्मों में आने से पहले की थी और काफ़ी एक दूसरे के करीबी दोस्त भी थे और राज कपूर अक्सर उन्हें कहा करते थे कि तुम खुश शक्ल हो, तुम अदाकारी की तरफ आओ, तुम एक अच्छे स्टार बन सकते हो। तो अदाकारी की तरफ आने का जो पहला मशवरा था दिलीप कुमार साहब के मुताबिक वो राज कपूर साहब ने दिया। हकीकी अदाकारी क्या होती है ये दिलीप कुमार साहब ने बताया। आज तक हर दूसरा अदाकार उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता ज़रूर है लेकिन दिलीप कुमार सिर्फ देख ही है। जी 1944 में जैसा कि हमने पहले भी बताया उन्होंने ज्वारभाटा से अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। फिल्म तो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया और फिल्म जुगनू जो कि 1947 में रिलीज़ हुई थी, शौकत हुसैन रिज़वी इसके डायरेक्टर थे, तो उस फिल्म में इनका सूरज का किरदार था जिसे खासा सराहा गया। वो इनकी बाकायदा तौर पर पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने पे दर पे यादगार कैरेक्टर्स की और 50 की दहाई में इन्हें बाकायदा तौर पर ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। बाद राज कपूर और नरगिस के साथ इनकी फिल्म 1949 में अंदाज रिलीज़ हुई जो कि सुपरहिट हुई और उस फिल्म ने भी इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उसके बाद 50 की दहाई में ही मधुमती, देवदास और कोहिनूर जैसी फिल्में जो थी वो सिनेमाघरों की जीनत बनी। कि जब उन्हें मुसलसल एक मतलब ट्रेजेडी किंग हर तरफ से सुनने को मिल रहा था तो इस चीज़ के साथ उनकी ज़िंदगी पर भी आने लगे थे, शख्सियत पर भी आने लगे थे। उस तासुर को जाहिर करने के लिए उन्होंने हल्की फुल्की कॉमेडी करना भी शुरू की और हल्की फुल्की कॉमेडी में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जी उस दौर में दिलीप कुमार और मधुबाला के जो मोहब्बत के चर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहे। ये मुगले आज़म से पहले की बात है। मुगले आज़म में तो बताया जाता है कि जो दिलीप कुमार थे और मधुबाला साहिबा थीं उनका आपस में बोलचाल भी नहीं था। फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो अक्सर उनको समझाया करते थे, यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस फिल्म में एक जो बहुत ज़्यादा मतलब एक जो रोमांटिक सीन था वो इन्हीं हालात में हुआ, ये एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। तो मधुबाला जी के साथ दिलीप साहब की जो मुलाकात है वो फिल्म तराना के सेट पर हुई और वहाँ से इनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, फिर मधुबाला साहिबा के जो वालिद हैं उनकी तरफ से जो कुछ भी हुआ ये शादी ना हो सकी। तो इन दोनों ने फिल्म अमर में भी काम किया, मुगले आज़म में भी काम किया, फिल्म संदिल में भी काम किया। मधुबाला के बाद दिलीप साहब की ज़िंदगी में सायरा बानो साहिबा आई और 60 की दहाई में उनके साथ उनकी शादी हुई। गालबन 1966 में इन दोनों की शादी हुई। शादी के वक्त दिलीप साहब की उम्र 44 ईयर्स थी और सायरा बानो साहिबा की जो एज थी वो 22 साल थी।
जी दिलीप कुमार साहब ने अपनी अहलिया सायरा बानो साहिबा के साथ भी काम किया, फिल्म गोपी में नजर आए। फिल्म कोई ज़्यादा कमाल तो नहीं दिखा सकी, लेकिन ये था कि शायकीन ने दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया था। फिर 1976 से 1981 तक दिलीप साहब ने कोई फिल्म साइन नहीं की, बल्कि फिल्मों में काम ही नहीं किया। जी पाँच साल के वक्फे के बाद फिल्म क्रांति के ज़रिए दिलीप कुमार साहब एक बार फिर वापस आए। वो फिल्म सुपरहिट हुई, उसके बाद उन्होंने विधाता में भी काम किया। इस तरह से मुख्तलिफ फिल्मों में वो काम करते रहे। इस बार जब वो कैरेक्टर रोल्स कर रहे थे तो उन्होंने इसमें भी खुद को मनवाया, और सौदागर, कर्मा और किला जैसी फिल्में जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया उनमें काम किया। किला जो थी वो 1998 में रिलीज़ हुई, जो कि उनकी आखिरी फिल्म थी। जी सायरा बानो दिलीप कुमार साहब की अहलिया तो हैं ही, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार साहब को हिंदुस्तान का कोहिनूर कहा था, और उन्होंने कहा था वो सही मायनों में आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कभी कोई दूसरा ना बिजनेस किया, ना कोई दूसरा काम किया, ना ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया। दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान आए और पेशावर गए, तो पेशावर पहुँच कर उन्होंने ज़मीन को चूम लिया और अपने आबाई घर गए, और वहाँ पर काफ़ी देर तक अपने घर की दर दीवार को देखते रहे। और इसी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको निशान इम्तियाज से भी नवाजा। जी भारतीय हुकूमत ने दिलीप साहब की खिदमत के एतराफ़ में दादा साहब फाल्के पद्मश्री और पद्मा भूषण अवार्ड्स से दिलीप साहब को नवाजा। दिलीप कुमार अब हम में नहीं रहे, लेकिन इनका शहर सदियों तक बरकरार रहेगा।